चुनाव तो हो गए हैं, 20 तारीख को वोटिंग हो गई है, 10 तारीख की 10 तारीख मार्च का इंतजार है। कितने अस्वस्थ हो कि चुनाव में जिस तरीके से आपने गठबंधन को लेकर चुनाव इस बार पंजाब में लड़ा, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखो उम्मीदें तो उम्मीदों पर ही जीते हैं सभी लोग। ये तो 10 तारीख को ही मालूम होगा। आज पंजाब की सिचुएशन ये है कि किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा। इत्तेफाक किसी ने लोगों ने वोट डालने के बाद बताया ही नहीं किसको डाला। कैसे देख रहे हो कि सदस्यता रद्द कर दी गई है? मिलके मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी करेंगे, हालांकि उनका डिपार्टमेंट तो है नहीं, लेकिन पावर मिनिस्टर से बात होगी तो बात मालूम होगी क्यों, अगर हुई है तो क्यों खत्म हुई है, क्या कारण था, क्या कारण है खत्म होने का। इसलिए दूसरी स्टेट्स को तो देना होगा अगर उसका हिस्सा होगा तो। कि साथ ही साथ क्या पावर मिनिस्टर से भी मुलाकात हो सकती है इसको लेकर? कल कोशिश करेंगे पावर मिनिस्टर से बात करें। लेकिन सर जब ये भांगड़ा ब्यास जो है इसका पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है तो दूसरे स्टेटों को कैसे दी जा सकती है, क्योंकि बयान ये भी आ रहे हैं कि सबको समान अधिकार जो है वो देने की बात कही है। ये तो मालूम नहीं है, मिलके मालूम होगा। आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जिस तरीके से सदस्यता रद्द की है इसको लेकर अब विवाद जो है पंजाब हरियाणा के अंदर शुरू हो गया है। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसे जी हैं। ढींडसे साहब, कैसे देख रहे हो कि सदस्यता रद्द कर दी गई है? देखिए अभी सारी मुझे मालूम, सभी हर चीज़ का मालूम नहीं हुआ है, लेकिन हम मिलके मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से भी करेंगे, हालांकि उनका डिपार्टमेंट तो है नहीं, लेकिन पावर मिनिस्टर से बात होगी तो बात मालूम होगी क्यों, अगर हुई है तो क्यों खत्म हुई है, क्या कारण था, क्या कारण है खत्म होने का। इसलिए दूसरी स्टेट्स को तो देना होगा अगर उसका हिस्सा होगा। मेन तो हरियाणा और पंजाब का हिस्सा ही। लेकिन क्या सर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, साथ ही साथ क्या पावर मिनिस्टर से भी मुलाकात हो सकती है इसको लेकर? कल कोशिश करेंगे पावर मिनिस्टर से बात करने की। लेकिन सर जब ये भांगड़ा ब्यास जो है इसका पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है तो दूसरे स्टेटों को कैसे दी जा सकती है, क्योंकि बयान ये भी आ रहे हैं कि सबको समान अधिकार जो है वो देने की बात कही है। नहीं ये तो मालूम नहीं है, मिलके मालूम होगा ना क्यों किया उन्होंने, कैसा क्यों किया, इसका कारण क्या है, वो तो मिलके बात होगी। क्या आपने अपना विरोध जताया है, क्या बातचीत हुई है किसी से आपने? नहीं मैंने तो स्टेटमेंट दी थी, अभी तो मुलाकात तो किसी से हुई नहीं। लेकिन सर लगातार ऐसे विवाद आ रहे हैं, अब एक और विवाद आ रहा है कि जो 12वीं की परीक्षा जो सिलेबस है उसमें बहुत ऐसे जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाएँ भी सामने आ रही है, क्या कहेंगे आपने? आपको देखिए अभी मैं तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का स्टेटमेंट आया था कि वो एग्जामिन कर रहे हैं, अगर एग्जामिन करेंगे तो मालूम होगा क्या 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 गलत किया है, तो उसको दुरुस्त होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सिखों के खिलाफ है अगर है कोई, मुझे मालूम नहीं अभी तक। लेकिन सर अगर ऐसे मामले सामने आते हैं कि पहले इनको ही जो बुद्धिजीवी हैं उनसे पहले सलाह मशवरा करना चाहिए? हाँ वो तो है, ये कुदरती है, वो खास करके जिस कौम के लिए कुछ जैसे सिखों के लिए था तो सिख इंटेलेक्चुअल से बात कर लेते, कोई कमेटी से बात कर लेते, कहीं भी अच्छा होता। अच्छा सर चुनाव तो हो गए हैं, 20 तारीख को वोटिंग हो गई है, 10 तारीख की 10 तारीख मार्च का इंतजार है, कितने अस्वस्थ हो कि चुनाव में जिस तरीके से आपने गठबंधन को लेकर चुनाव इस बार पंजाब में लड़ा, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखो उम्मीदें तो उम्मीदों पर ही जीते हैं सभी लोग। ये तो 10 तारीख को ही मालूम होगा। आज पंजाब की सिचुएशन ये है कि किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा। पिछले दो दिन जो हुए दीप सिद्धू के आने से, उसके डेथ के बाद जो उसका वीडियो आया तो उससे काफ़ी चेंज हुई है, मान सरदार सिमरजीत सिंह मान के ग्रुप को काफ़ी वोट पड़ी है, किसकी पड़ी है वो वक्त बताएगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आपको राजनीति का बड़ा तजर्बा है
और पंजाब में किस तरीके से वोटिंग हुई, किसको बहुमत मिल सकता है, कुछ अंदेशा तो होगा आपको? इस दफा किसी ने, लोगों ने वोट डालने के बाद बताया ही नहीं किसको डाला, ये पहली दफा हुआ। मतलब कि जो वोटर था वो साइलेंट रहा है इस बार? साइलेंट रहा है, तो किसी को मालूम ही नहीं कुछ। हर आदमी जीते बैठा है अपने घर में। आपकी पार्टी बीजेपी किस भूमिका में रहने वाली है? हम तो अच्छी अच्छी भूमिका सोच रहे हैं कि होगी, लेकिन ये 10 तारीख को मालूम होगा ना। सर, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद हो रहा है, युद्ध छिड़ रहा है, ऐसे में यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र भारी तादाद में फंसे हुए हैं, क्या इसको लेकर भी सरकार से आप कोई मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो 2 दिन से ही इधर ही बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि बच्चों का कुछ ना कुछ हो। जो स्टूडेंट हैं वो गए हैं, और भी लोग हैं बहुत बैठे हैं। लोग तो कहते हैं 27,500 आदमी है, लेकिन 4,000-5,000 तो बच्चे ही है जो स्टूडेंट हैं। उनके लिए सरकार कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन उतनी जल्दी, क्योंकि 2 जहाज जाते हैं, 2 जहाज से कितने का बच्चे आ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो रशिया की बॉर्डर के पास हैं, वो रशियन गवर्नमेंट से बात करके अगर हो सके तो उनके कल मिलेंगे। आज तो है नहीं, कोई मिल नहीं रहा, कल मिलेंगे तो उनके कहेंगे कि वो रशियन गवर्नमेंट से एम्बेसी अपने हमारी बात करे और उनसे बात करके रशिया से लेकर आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन सर, बहुत सारी वीडियो जो है वो सामने आ रही हैं कि जो छात्र हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बंकर में रह रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। वो कुदरती है, वो तो बहुत दुखी है, बच्चे भी दुखी हैं, उसके पेरेंट्स इधर भी बहुत दुखी हैं। लेकिन वो कोशिश कर रही है, सरकार भी कर रही है, हम भी सभी मिल के कर रहे हैं कोशिश। तो लेकिन इतना बॉर्डर पे जैसे ये आते हैं बॉर्डर ना, पोलैंड का, दूसरे जो वहाँ पर आ जाते हैं उसको तो ले आते हैं, जो बॉर्डर पे इन बॉर्डर पर नहीं आते, ज़्यादा रूस के रशिया के बॉर्डर के पास हैं, तो उनको भी किसी न किसी तरीके से निकालना चाहिए। तो बिल्कुल, भारत सरकार को जल्द से जल्द जो है वो जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीय हैं उनको जल्द निकाला जाए, ये भी कोशिश जो है शिरोमणि अकाली दल के संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा ने की है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो छात्र फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।